जेरोरा एक मिथिकल थंडर क्लैप पोकेमोन। कुछ लोग कहते हैं ये लगता है सोनिक की तरह और कुछ कहते हैं लगता है बिल्कुल एक ओवर डिजाइन कैट की तरह। सो चलिए जानते हैं इस पोकेमोन के बारे में। पोकेमोन की नई मूवी एवरीवन स्टोरी में हमें देखने मिला है ये कूल लुकिंग पोकेमोन और इसके बारे में सबकी अलग अलग राय है। जेरोरा को देखने से लगता है कि ये पोकेमोन एक फाइटिंग टाइप है और ये कुछ कूल मूव्स भी सीखता है जैसे कि क्लोज कॉम्बैट लेवलिंग अप से और ड्रेन पंच मूव ट्यूटर से। बट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और ये प्रूव किया है जेरोरा ने, क्योंकि ये पोकेमोन एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है जो कि इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब सिर्फ इसकी एक वीकनेस है जो कि है ग्राउंड टाइप। जेरोरा वैसे तो स्टैट वाइज एक मॉन्स्टर है। इसका अटैक देखकर सबका सर चकरा जाता है और जो चीज इसे एक और प्लस देती है वो है इसकी स्पीड। लगता है मैंने ये कहीं सुना है। रहने दो। सो इसका टोटल बेस स्टैट है 600 जो कि काफी ऑसम है। सो जेरोरा एक बड़ा ही यूनिक नेम है जो कि थोड़ा सुना सुना सा लगता है। एनीवे एक थ्योरी के अनुसार इसका नाम कॉम्बिनेशन है जैप जो कि स्टैंड करता है इरेडिकेट यानी थंडर के लिए, और टोरा जो कि स्टैंड करता है टाइगर के लिए जापानीज में, और शायद यही इसके डिजाइन को क्लियर करता है। बट थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे एक जापानीज कैरेक्टर मिला जिस पर शायद ये पोकेमोन बेस्ड हो सकता है। इसका नाम है राइजू जिसका ट्रांसलेशन होता है एक थंडर बीस्ट। जेरोरा का ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन कहता है इसकी बॉडी पूरी तरह से बिजली से बनी हुई है और शायद इसका शेप किसी डॉग कैट वुल्फ या फॉक्स की तरह है। बट मेरे हिसाब से गेम फ्रिक जो कि क्रिएटर है पोकेमोन के, उन्होंने इसका शेप एक कैट की तरह रखा है, क्योंकि आपको तो पता है कि इंटरनेट पे हर जगह कैट्स ही कैट्स है। वैसे जो ये जापानीज कैरेक्टर है राइजू, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब भी दिखा है ये एक व्हाइट और ब्लू कलर की बॉडी में दिखा है और इसके अराउंड एक बिजली का बड़ा सा बॉल भी दिखता है। और अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जेरोरा का शाइनी फॉर्म। ड्रम रोल्स प्लीज। टडा। सो ये पोकेमोन किस तरह कनेक्टेड है सीरीज से या इस मूवी से, इसके बारे में मैं सिंपली कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अब तक अवेलेबल नहीं की गई है। सो एवरीवन ये रहे कुछ अमेजिंग फैक्ट और स्टोरी जेरोरा के बारे में। जेरोरा वैसे तो बड़ा ही कूल पोकेमोन है, बट अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है या आपके पास इसके बारे में कुछ नई डिटेल्स है तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और उस नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आप थंडर पंच मारिए या पोकेबॉल मार के फेंकिए, बट मेक श्योर ये क्लिक हो जाना चाहिए। और ऐसी ग्रेट वीडियोस और ग्रेट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।